हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक और नए ब्लॉग की। तो कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा? हम गंगा आरती देखने गए थे त्रिवेणी घाट पर। तो चलिए, तो आज का मौसम भी बहुत मस्त हो रखा है। ये देखिए मस्त घाम लगे जो। तो अभी मैं खड़ा हूँ त्रिवेणी घाट और राम झूला के जो सेंटर में एक ब्रिज पड़ जाता है उसी के पास हूँ मैं। और यहाँ से जा रहा हूँ मैं राम झूला। तो अभी भाई ने मुझे यहाँ पर छोड़ा, ये है राम झूला। तो अभी यहाँ से अंदर जाएंगे, एंट्री गंगा जी के जो बहाव है उसके बीच में राम झूला का निर्माण किया गया है। तो अभी उसी को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ऋषिकेश में लाया हूँ मैं। ये है श्री शत्रुघ्न मंदिर घाट। सो यहाँ पर गंगा जी का बहाव आपको दिख जाता है। और चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं हम। और ये बताइए क्या मस्त नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो गंगा जी का बहाव इतना शांत हो रखा है कि बहुत मस्त लग रहा है यहाँ से नज़ारा। भाई राम झूला किसको बोलते हैं? वो है अच्छा, किधर से जाना पड़ेगा उसके लिए? तो फिर से वापस आ चुके हैं और इधर से राइट के लिए रास्ता है राम झूला की तरफ। तो अभी हम राम झूला की तरफ जा रहे हैं। तो ये दुकानें लग रखी हैं। तो ये आगे सामने राम झूला। तो ये देखो, अब बात है। तो ये है राम झूला। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको कैसा लगता है हमें। ये देखो क्या बात है, भाई हिल रहा है भाई। तो मैं बीच सेंटर में आ चुका हूँ राम झूले के। और यहाँ पर राफ्टिंग की जा रही है, ये देखो। और मुझे सबसे बढ़िया क्या लग रहा है यहाँ पर कि ये जो चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। तो वो बढ़िया लग रहे हैं मुझे। और आपको कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो अभी आ चुका हूँ मैं गंगा जी के पास। और ये पीछे देख रहे हो, पीछे राम झूला है। और अभी चल रहे हैं आगे, दिखाते हैं आपको राफ्टिंग इनकी। हम तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारी राफ्टिंग में, क्योंकि यार ठंड भी बहुत लग रही है। वो नीचे पानी में उतार रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बैठने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर भी है, उधर भी है, उससे आगे भी है। और यहाँ पर बैठे बैठे मजे ले रहे हैं। आगे पूरा गंगा जी दिख रही है मेरे को। और चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से। सो गाइस, अभी मैं गंगा जी के आ चुका हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर एक जगह है परमार्थ करके, वहाँ पर आरती होती है। तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ अभी, तो आरती देख के और यहाँ से फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ। और राम झूले के दर्शन तो आपने पीछे कर ही लिए होंगे,
और आपने देख लिया होगा कि क्या सा भाई बहुत ज्यादा हिल रहा था वो। तो यहाँ पर खाने की कमी नहीं होने वाली क्योंकि आसपास में बहुत सारे खाने के आपको मिल जाएंगे, टिक्की, गोलगप्पे, चौमिन। गीता भवन संत निवास, यहाँ से आगे जाना होता है। तो यहाँ पर आरती हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद 6 बजने वाले हैं, तो 6 बजे आरती होते हैं यहाँ शुरू। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जगह यहाँ पर है परमार्थ करके, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा।
परमार्थ निकेतन। तो यहाँ पर देखो शिव जी की मूर्ति। विशाल मूर्ति हनुमान जी की देख लीजिए, क्या बात है। जय श्री राम। जानकी सेतु रात को अच्छा लगता है। जानकी सेतु ब्रिज में, तो यहाँ पर एकदम मौसम लग रहा है और आपको भी कैसा लग रहा है बताना जरूर। हेलो हेलो हेलो, कैसे लगा ये ब्लॉग? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय माँ गंगे। और मैं यहाँ से ऋषिकेश से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय टाटा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी और जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।